हेलो। हाँ भाभी। हाँ नताशा, कहाँ हो तुम? हम आ गए हैं, प्लान रेडी है? अरे हाँ हाँ भाभी, पूरा प्लान रेडी है। आप ना दूल्हे को मंडप में बैठने दो, मैं दुल्हन ही गायब कर दूंगी। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। जहाँ प्रणाली और बाकी सब नताशा के साथ खड़े हैं, धवल और सुहानी की शादी रोकने के लिए अब नताशा फुल ऑन एक्शन है और उन्हें फोन पे बताती है कि वो पूरी तरह तैयार है धवल की शादी रोकने के लिए, और सबको चौंका देती है ये बोलकर फोन पर कि दूल्हा को मंडप में बैठने दे, क्योंकि अब वो दुल्हन को ही गायब कर देगी, तो ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। पर अचानक से पीछे से कोई उसे पकड़ता है और उधर धवल सुहानी से जाकर माफी मांगता है ये बोलकर कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे प्यार ही नहीं करता और शादी ऐसी मजबूरी में नहीं होती। और सुहानी तो जैसे पूरी तरह से तैयार होकर भी अब धवल की ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो गया उसके साथ। दुल्हन बनते बनते अधूरी रह गई, पर नताशा के साथ ये क्या हो गया? अचानक से उसे बेहोश करके अब संदीप उसे नफरत भरी निगाहें से देखता है, और अब बदले की आग में जूझ रहा संदीप नताशा के साथ वो करने जा रहा है जिसके बाद वो किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। पर क्या धवल नताशा को अपनाएगा अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है संदीप के हाथों? और अब शादी का लगन भी आ चुका है और चीकू अब अपना सहरा उतार देता है जब वो काफी देर से नताशा को नहीं देखता आसपास, और धवल को भी बोलता है कि जब तक नताशा यानी चुटकी नहीं आ जाती सामने, वो इन दोनों की शादी नहीं होने देगा। तो आखिर नताशा किस हालत में आएगी बाहर, और क्या उसकी ये हालत देखकर धवल मचाएगा कोरम संदीप के जीवन में, या नताशा को ही ठहराएगा दोषी? देखना अभी बाकी है। तो तब तक के लिए देखते रहिए पांड्या स्टोर्स की लेटेस्ट अपकमिंग ट्विस्ट यहीं पर। मुझे मारना, मेरी बेइज्जती की, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा नताशा। तेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम भी संदीप नहीं। जब तक छुटकी नहीं मिल जाती ना मैं शादी करूंगा ना इसकी होने दूंगा।